नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे अब खबरों का। धर्मांतरण कानून को लेकर धामी सरकार के लिए किए गए निर्माण को कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने पहाड़ के लिए जरूर बताया है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि जिस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं उसको देखते हुए सरकार की तरफ से इस कानून को सख्त बनाने का काम किया गया है ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और पहाड़ों में यह धर्मांतरण ना हो सके। मौजूदा एक्ट है उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 है, उसके तहत देहरादून में 2 केस है, हरिद्वार में 3 केस है। ये 5 केस है वो पुलिस ने चार्जशीट किए हुए, वो अंडर ट्रायल में है। अब जो नया वाला प्रस्तावित है वो असेंबली में पास होने के बाद लागू होगी, तो उस पर मुझे लगता है कि प्रपोज दिया है कि सीधा FIR भी हो सकती है। पुराने वाले में कोर्ट में वाद तैयार करने के होता है, जो मौजूदा एक्ट है। धर्मांतरण कानून को लेकर धामी सरकार के लिए गए निर्माण को कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने पहाड़ के लिए जरूरी बताया है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि जिस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं उसको देखते हुए सरकार की तरफ से इस कानून को सख्त बनाने का काम किया गया है ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और पहाड़ में यह धर्मांतरण ना हो सके। धर्मांतरण इस समय बहुत एक मुख्य समस्या है और आप देख रहे हैं कि जो घटनाएं लगातार हो रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। इसलिए कल कैबिनेट ने धर्मांतरण करने वालों को, कराने वालों को उचित दंड देने के लिए प्रावधान किया है, वो भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। पहाड़ों में इस धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत आवश्यकी था कि हम सख्त कानून लाएं। कल कैबिनेट ने इस कानून लाया है। उधर टनकपुर पहुंचे सीएम धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाकर मठ बात किया है। वहीं आगे सीएम धामी ने टनकपुर शारदा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से भव्य घाट के निर्माण की जानकारी ली है। इसके साथ ही सीएम ने शारदा नदी के तट शारदा घाट पर सीएम ने पूजन किया। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मठ खरीदी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है और जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है। टनकपुर में मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्याओं को सुना है। बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन में कैबिनेट मंत्रियों के जनपदों का प्रवास कार्यक्रम तय कर दिया गया है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री प्रवास कार्यक्रम करेंगे। मंत्री अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, जनता से विकास की योजनाओं पर संवाद होगा और फीडबैक भी लिया जाएगा इस दौरान। अपने अपने जनपद बाहर में तो रहेंगे, संगठन के कामों को भी गतिशीलता प्रदान करने के लिए। देखिए, सभी मंत्री अपने अपने जनपदों के प्रभार में तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा संगठन के कामों को भी गतिशीलता प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद बना रहे और क्षेत्र की समस्याओं को वो मुखर तरीके से जो कार्यकर्ता रखते हैं उनका समाधान भी हो जिले स्तर पर, इसके लिए ये एक कार्यक्रम तय किया गया है। और सभी मंत्रियों को जनपदवार प्रवास के लिए
निवेदन किया गया है कि रात्रि प्रवास रहेंगे, 2 दिन का उनका प्रवास रहेगा, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं के निवास पर जाकर भोजन इत्यादि रात्रि प्रवास भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद अब मंत्री जिलों में प्रवास करेंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का जिलों का प्रवास का कार्यक्रम तय हुआ है, अब इसको लेकर सियासत हो रही है। कार्यक्रम की शुरुआत वैसे तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से हो रही है, बकायदा पूरा रोड मैप हर मंत्री का तैयार कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों के इस कार्यक्रम में जनता से मंत्री सीधा संवाद करेंगे। जनता को देहरादून में अधिकारी और मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसीलिए धामी सरकार ने पहले से ही एक ऐलान किया था कि सरकार जनता के द्वार जाएगी, और इसी कार्यक्रम के तहत अब मंत्रियों के प्रवास के कार्यक्रम तय किए गए हैं। मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम को लेकर बीजेपी संगठन भी गदगद है। पार्टी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि फॉर्मूला भले ही पुराना हो, मगर धरातल पर अमल हुआ तो विकास के लिए नजीर बनेगा। सरकार जनता के द्वार, हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं वो जिलों में जाकर के वहाँ रात्रि प्रवास करें, जनता से मिलें, अधिकारियों से मिलें, कार्यकर्ताओं से मिलें, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलें, और जो जन समस्याएं हैं उनका त्वरित वहीं पर एट स्पॉट उसका समाधान हो, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के सभी मंत्रियों का जो है जिलों में प्रवास तय किया गया है, और ये प्रवास निरंतर एक रेगुलर प्रक्रिया के तहत रहेगा। तो मुझे लगता है कि जनता की समस्याओं का जिले में ही समाधान हो, इस अवधारणा को साकार करने के लिए प्रवास तय किया गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस से जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही बयान सामने आया। इस प्रवास के कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस इतिहास के पन्नों को पलटते हुए दावा कर रही है सीएम की अपने मंत्रियों से कसरत की तमन्ना ही रह जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मंत्रियों ने पहले भी जिलों में जाने का टास्क पूरा नहीं किया, तो अब क्या करेंगे। अब जब 2024 के लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है अपने मंत्रियों को जिले प्रवास पे भेजने की और जनता दरबार करवाने की। ऐसे में मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या उनका रसूख कायम है, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात को या मुख्य सचिव की बात को ना अधिकारी सीरियसली ले रहे हैं ना मंत्री विधायक सीरियसली ले रहे हैं। अगर ले रहे होते तो 10 योजनाओं के प्रस्ताव जो 70 के 70 विधायकों से मुख्यमंत्री ने मांगे, 4 से 5 विधायकों ने भेजा है। ऐसे में मुझे लगता है कि लगातार डेंट पहुंच रहा है सीएमओ को, और कोई भी अगर घोषणा होती है या कोई भी अगर कार्य कहा जाता है तो इनकी सुन कोई मंत्री नहीं रहा है। हो सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम में पार्टी की डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिले, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर पर खाना खाने से लेकर चुनावी तैयारियां तक शामिल हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार प्रवास से होगा विकास। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड सरकार के हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का फैसला लिए जाने के बाद आम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग सरकार के फैसले का स्वागत योग्य बता रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो हाईकोर्ट को कहीं और शिफ्ट करने के फैसले पर हाईकोर्ट को उत्तराखंड के किसी ऐसे स्थान पर शिफ्ट करने की बात कह रहे हैं जहां से प्रदेश के सभी लोगों के लिए हाईकोर्ट पहुंचना लगभग बराबर रहे। लोगों का मानना है कि क्योंकि नैनीताल पर्यटक स्थल है और इसलिए वहां आए दिन भीड़ देखने को मिलती है, जिस कारण वहां की छोटी सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। सरकार का हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का स्वागत योग्य कुछ लोगों ने बताया है। सर, जो सरकार का फैसला है हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का, मेरे विचार में वो एक अच्छा फैसला है। देखा जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति को नैनीताल हाईकोर्ट में किसी भी काम से जाना पड़ता था तो रोड्स बहुत नैरो थी। जो भी उत्तराखंड वासी हैं सबको रूट भी पता है कि अगर किसी को हरिद्वार, रुड़की या फिर पहाड़ी क्षेत्र से, इधर टिहरी वगैरह के क्षेत्र से जाना पड़ता था तो हमें हल्द्वानी होते हुए नैनीताल चढ़ना पड़ता था। तो एक तो ट्रैवलिंग का समय थोड़ा सा कम हुआ है,
उन निवासियों के लिए, प्लस नैनीताल में थोड़ा सा ट्रैफिक, टूरिस्ट प्लेसेस इतनी ज़्यादा होने के कारण जो छुट्टियां हैं या जो भी सीज़न होता है उसमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, प्लस रोड थोड़ी नैरो है। मेरा विचार जो है इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे सीमांत ज़िले हैं उन लोग वहाँ के बासिंदों को देखते हुए, उनकी सहूलियत को देखते हुए ही किसी ऐसा निर्णय हो किया जाना चाहिए था जो उनको सबसे ज़्यादा मुफीद होता। अगर उनको उस इलाहाबाद जाने में कम समय लगता हो और यहाँ की उसमें आने में अधिक समय लगता हो या अधिक कष्ट होता हो तो उससे बेहतर, तो उनको ये लगेगा कि हमारे साथ कुछ छलावा हो रहा है। नैनीताल से कोर्ट शिफ्ट करने का तो आइडिया अच्छा है, क्योंकि नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है, गर्मियों वगैरह में बहुत परेशानी होती है, लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिलती है, वहाँ जाम की प्रॉब्लम है। लेकिन नैनीताल से शिफ्ट करने के बाद कोई अगर शिफ्ट ही करना है उसको, तो ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को सहूलियत मिले, कमाईयों के लोगों को भी परेशानी ना हो और गढ़वाल के लोगों को भी परेशानी ना हो, ऐसे सेंट्रल प्लेस होना चाहिए। कि वैसे तो जो सरकार ने फैसला लिया है हाई कोर्ट को नैनीताल शिफ्ट करने का, अच्छा फैसला है, क्योंकि नैनीताल पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें छोटी हैं। नैनीताल शिफ्ट करने से फरियादी को अपनी फरियाद लेके जाने में दिक्कत नहीं होगी और वहाँ सरकार का जो फैसला ये बहुत उचित, न्याय उचित रखा है उन्होंने, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। ये तो वकीलों के हित में है, इसलिए हित में है क्योंकि नैनीताल बहुत महंगा पड़ता है और क्लाइंट को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, होटल्स बहुत महंगे हैं, खाना बहुत महंगा है और हल्द्वानी थोड़ा प्लेन में पड़ता है, मैदानी क्षेत्र है, तो इसलिए वकीलों को भी वहाँ सुविधा है जाने की और क्लाइंट को भी सुविधा है। जो निर्णय लिया और इस पर हमारा कोई विरोध नहीं है, अच्छा निर्णय है। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है ये सरकार का, इससे बात कार्यों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि नैनीताल ऊपर थोड़ा महंगा भी है रहने के लिए होटल में, और यहाँ थोड़ा सा नीचे रहेगा, मैदान क्षेत्र में आएगा, तो काफ़ी सहूलियत बात कार्यों को होगी और अधिवक्ताओं को। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में जहाँ एक वोर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, तो वही जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर उत्तराखंड सरकार ने मुहर लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी, जिसके साथ ही कैबिनेट में धर्मांतरण कानून को भी मंजूरी मिल गई है। बहरहाल इस खबर से हल्द्वानी बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी काफी खुश नजर आए हैं और वकीलों ने इसे खुशी में मिठाई बांटी है। हम राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और ये एक जनहित में लिया गया बहुत बेहतरीन निर्णय है। कई इसमें विरोधाभास भी थे, परंतु सरकार ने सभी चीज़ों को किनारे करते हुए उत्तराखंड के आम जनमानस की आवाज़ को सुना है और उनकी सहूलियतों को देखा है, और जो हमारे न्याय का सिद्धांत है, मैं पहले से ही इस लड़ाई में कहते हुए आ रहा हूँ और हमारी पूरी बार एसोसिएशन और हमारे सभी अधिवक्ता समुदाय कि जो न्याय का मूल सिद्धांत है। हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मूल भावना के तहत नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी और परिस्थिति बस अब नैनीताल से शिफ्टिंग की बात आई, तो हल्द्वानी के अंदर ही इसका निर्माण हो रहा है। ये राज्य वासियों के हित में, उत्तराखंड वासियों के हित में, जनहित में और हर वादकारियों के हित सर्वोच्च जो सिद्धांत है उसके अनुपालन में भी है, क्योंकि सस्ता सुलभ न्याय, ये न्याय का सिद्धांत होता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जोशी मठ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशी मठ ज्योतिर्मठ में बयान देते हुए कहा कि देश का विभाजन करने वाले अपने देश चले जाएं, अगर मुस्लिमों को देश का विभाजन करना ही था तो वह भारत में क्यों रह गए हैं, मुस्लिमों को भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिज्ञासा जागे, पहला तो प्रयास ही, दूसरा प्रयास ये है कि आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण भी अंतःकरण को पवित्र करता है, इसलिए लोगों के भलाई के लिए, उनके आध्यात्मिक उन्नयन के लिए और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, उनके चित्त को अच्छा रखने के लिए, उनके अंदर विद्याओं का प्रवेश कराने के लिए जो उपक्रम मठ के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको ठीक करना और उनके
बढ़ोतरी करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के कारण निकाले गए 238 कर्मचारियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने साफ किया है कि अभी तक किसी भी निकाले गए कर्मचारी को दोबारा विधानसभा में नियुक्ति नहीं दी गई है। विधानसभा अपने स्तर पर इस मामले में विधिक राय ले रही है और अब फैसला किया गया है कि इस मुद्दे को डबल बेंच पर ले जाया जाएगा। कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। कुछ भी कहा जा सकता है, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, वो फ्री हैं कहने के लिए, लेकिन मैं बिना किसी राय लिए, बिना विधि को साथ लिए, बिना लॉ को पढ़े आगे बढ़ने में नहीं विश्वास करती हूँ। तो मैंने पूरी राय ली है और उसमें हम मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की है। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ योजना प्रदेश में शुरू की गई है, जहां उन्होंने कहा कि एक महीने में 1500 इनाम प्रदेश में निकालेंगे। बिल लेने की जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है और इससे GST में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फर्जी बिल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में 37.69% राजस्व में वृद्धि हुई है। उधर राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा कई बार शहर में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन तब सरकार की तरफ से उनकी शिकायतों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी और यही वजह है कि आज शहर में निर्माण कार्यों की बुरी स्थिति है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को परेशानियों के रूप में उठाना पड़ रहा है। राजपुर विधायक ने कहा है कि उनके द्वारा कई बार अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के खिलाफ बात भी की गई, लेकिन उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हुआ। मैंने हर समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया कि स्मार्ट सिटी का काम बड़ी धीमे गति से चल रहा है, इसमें दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं। जिन कंपनियों को काम दिया गया है वो अधिकारियों को उल्टा डराने का काम करते हैं, वो उनकी सुनते नहीं है। जगह जगह खो दिया गया है, जो सड़कें हमारी अच्छी खासी थी उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उनके ऊपर तो मुकदमा भी होना चाहिए उस हिसाब से, किंतु उस समय तक मेरी बात को शायद तवज्जो नहीं दी होगी, इस कारण जो है आज स्मार्ट सिटी का आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं। हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में पथरी रोह पुल के पास मुठभेड़ में एक 50,000 का इनामी और पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोपी बदमाश देवराज पैर में 2 गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। देखिए, ये प्रातः करीब 8:15 के बीच में हमारी चेतक जो है पथरी रोड पुल पर जो रूटीन की चेकिंग और उसमें घूमते हैं, उसमें एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग वहाँ पर थे। जब उनको एक रूटीन तलाशी के रूप में रोकना चाहा तो वो जंगल की तरफ भागे, और शक होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है सेट के माध्यम से उच्चाधिकारीगढ़ को सभी को दी गई थी। इसमें चूंकि आज परेड थी शुक्रवार की, और सभी ज़्यादातर अधिकारीगढ़ और सभी लोग फोर्स वहाँ मौके पर ही थे, सबको तत्काल रवाना किया गया मौके से, और SO बहादराबाद की टीम और सभी को अलर्ट किया गया। चमोली के उर्गम पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना की खबर दरअसल सामने आई है। आपको बता दें कि खबर चमोली से है, जहां पर जखोला मोटर मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना की घटना ये सामने आई है। वहीं 10 से 12 लोगों के मरने की सूचना भी इस दुर्घटना में सामने आ रही है। वाहन में 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं और जो कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार 19 नवंबर शाम को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के मौके पर श्री बद्री विशाल पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की तरफ से श्री बद्रीनाथ मंदिर को भव्य रूप से गेंदे चंपा चमेली के फूलों से सजाया गया है। पुष्प सजावट से भगवान बद्री विशाल के मंदिर सहित सिंह द्वार की अनुपम छटा देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हालांकि बद्रीपुरी में कड़ाके की सर्दी का सितम भी जारी है। सर्दी का आलम यह है कि दिन में ही धाम में माइनस से नीचे तापमान गिरने से साधु संत और श्रद्धालुओं को अलाव सेकते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके भक्तों की भगवान श्री हरि नारायण के प्रति अगाध आस्था ठंड पर भारी पड़ती नजर आ रही है।
देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।